ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 में फेल हो गए हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि उनको क्वेश्चन समझ में ना आए हों या फिर वो इतने मार्क्स नहीं ला पाए जिससे कि वो पास हो सकें। सभी स्टूडेंट इनको सभी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आने वाले एक या मंथ या दो मंथ्स में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा और आप अभी से थोड़ा जो है प्रिपरेशन करने की तैयारी करें और आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुडिशरी की तैयारी कंटिन्यू करें। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एडवोकेट तो आप कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हम एनरोलमेंट्स होते हैं तो हमारे लिए 2 साल का टाइम रहता है कि हम 2 साल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करें। यह आप सभी का हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट हो और आप उस फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए तो चिंतित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहें और ये प्रोफेशन में कंटिन्यू काम करते रहें और थोड़ी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि क्या होता है कि कुछ हमें पता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जब एग्ज़ाम होता है तो हम उसमें बुक ले जाते हैं, बेयर एक्ट ले जाते हैं, नोट्स ले जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि वो आपको ना बेयर एक्ट में मिलेगी ना फिर आपको किताब में मिलेंगे। अब इस बार तो सिर्फ बेयर एक्ट ही अलाउ थे, वो भी विदाउट नोट्स के। तो आपको मेरी यही टिप्स है, यही गाइडेंस है कि आप जो हैं थोड़ी पढ़ते रहें, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनको देखते रहें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में क्या चलते हैं मैटर, थोड़ा लॉ से संबंधित अपडेट रहें और जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इन सभी को थोड़ा आप पढ़ें अच्छे से, तभी जाके आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि क्या होगा, हो सकता है अब आगे जाके बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस एग्ज़ाम को और थोड़ा टफ बनाए। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी आप बेयर एक्ट ले जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ऐसी प्लानिंग हो कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया जाए कि अब से वो है बिना बेयर एक्ट या बिना किताब के आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लीजिए, मेरा ये मानना है कि लगभग सभी पास हो गए होंगे, लेकिन हो जाता है कई बार नहीं हो पाते स्टूडेंट, तो आपके लिए यह एडवाइस है कि आप जो है थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें और बेयर एक्ट जो है मेजर एक्ट है उनको अच्छे से पढ़ें और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नेक्स्ट बार जो है आप एग्ज़ाम को अच्छे अंकों के साथ पास करें। उसमें अंकों का तो कुछ रहता नहीं, या तो आप पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। आप सभी लोग जो है जिन्होंने पास कर लिया उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं हुए हैं वो मेहनत करें, नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर पास होंगे।